और आप सब कैसे हो तो फ्रेंड आज मैं आपको अपने गार्डन में खिले हुए एडिनियम दिखाती हूँ ये देखिए ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है आप कटिंग जब भी अपने एडिनियम को प्रून करें उनकी कटिंग को ना फेंकें और उसको आप सैंडी सोयल में ग्रो करें फ्रेंड देखिए ये मेरा लास्ट ईयर मैंने इसको अप्रैल में लगाया था आप इसका देख सकते हैं कितना अच्छा ये मेरा फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और ये देखिए ये मेरा पुराना प्लांट है तो फ्रेंड आज का मेरा टॉपिक यही है कि एडिनियम पे हमारे पीले धब्बे क्यों पड़ते हैं तो हमारा एडिनियम का प्लांट जो होता है उसका कोडेक्स पीला क्यों पड़ने लगता है देखिए ये भी मैंने कटिंग से लगाया था और ये भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था मैंने वीडियो आपसे नहीं शेयर किया तो देखिए फ्रेंड ये हमारा टॉपिक है आज का एडिनियम पे पीले धब्बे क्यों पड़ते हैं फ्रेंड ये देखिए ये भी मेरा एडिनियम का प्लांट है दोनों साथ के प्लांट थे और इसमें भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग ये कर रहा है फ्रेंड और इसका सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो आज मैं इसकी सॉइल पे बात नहीं करूँगी इसको कैसे फ्लावरिंग पे लाना है कैसे ब्लूमिंग पाना है देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त ये ब्लूमिंग कर रहा है ये मेरा दो से ढाई साल का पुराना प्लांट है मैं सौ रुपए का बहुत छोटा सा बेबी प्लांट लाई थी और इसमें तब एक फ्लावर भी नहीं खिला था और कम से कम एक साल के बाद इसमें छः महीने के बाद इसने फ्लावरिंग आना शुरू किया और देख सकते हैं आप मैंने अभी तक इसमें सीड कई बार बने मगर मैंने अभी ग्रो नहीं किया है उनको मैंने कटिंग से ही इसके प्लांट बनाए हैं कम केयर में चलने वाला बहुत अच्छा प्लांट है आप एडीनियम को अपनी गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए इसके फर्टिलाइज़र पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये कम पानी कम केयर में चलने वाला एक बेहतरीन प्लांट है ये फुल सन का प्लांट है फ्रेंड इसको डिजर्ट रोज़ कहा जाता है कि मतलब रेगिस्तान का गुलाब देखिए रेगिस्तान में ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं फ्रेंड और ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं फ्रेंड इनको जो है आप फर्टिलाइज़र में क्या देना है और इनको फ्लावरिंग पे कैसे लाना है ये सब बाद में बात करेंगे तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि एडिनियम के जो कोडेक्स हैं वो पीले क्यों पड़ने लगते हैं इसमें घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स और देखिए ये वाला बिल्कुल ठीक ठाक है मैं इसमें वाटरिंग बहुत कम करती हूँ जब मैं शावरिंग करती हूँ अपने प्लांट्स में तो इसमें थोड़ा बहुत जो पानी गिर जाता है या इनकी पत्तियों पर मैं शावरिंग कर देती हूँ धुल देती हूँ मैं इनको पानी बहुत कम देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही से हमारा प्लांट खराब हो जाता है तो ये देखिए ये इसका कोडेक्स मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ मुझे शक है कि कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है तो चलिए देखिए ये ख़राब नहीं हो रहा है तो चलिए एक टेंशन तो हमारी दूर हुई अगर ना अगर ख़राब भी होता है तो मैं इसको बचाने की कोशिश करती मैं इसको काट के फंगी साइड लगाती तो इसको आपको क्या करना है फ्रेंड ये क्यों पीला पड़ा मैं बताती हूँ ये सनबर्न है फ्रेंड और ये जब धूप हमारी डायरेक्ट सन प्लांट पे पड़ती है तो हमारा प्लांट में ये पीले पीले धब्बे हो जाते हैं और ये धीरे धीरे ये सिकुड़ने सा लगेगा देख रहे हैं तो इस तरह आपको प्लांट को अपने रोटेट करते रहना है फ्रेंड प्लांट को आप हमेशा जब तक डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ रही है तो इससे बचाव करने के लिए आपको प्लांट को रोटेट करना होगा या उसकी जगह दो तीन दिन पे आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी तो आप सारे प्लांट में ये काम करिए क्योंकि अगर आपका प्लांट में ऐसे सन बर्न हो रहा है तो वो अच्छा नहीं है फ्रेंड आप उसको दो तीन दिन पे रोटेट कर दीजिए या उसको इधर उधर घुमा दीजिए या उसकी जगह शिफ्ट कर दीजिए दो तीन दिन के लिए तो ये काम आपको अपने प्लांट पर जरूर करना है फ्रेंड्स और ये जो धूप इसके ऊपर पड़ती है या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जो ग्रीन नेट का आपका टुकड़ा होता है वो उसके कोडेक्स पे डाल सकते हैं जिससे उसको डायरेक्ट सन लाइट नहीं मिलेगी और वो उस पर मतलब छन छन की धूप पड़ेगी तो उतना पीला नहीं पड़ेगा मैंने खैर इसको निकाल लिया है या मैंने निकाला है तो एक दो दिन मैं उसको बाहर रखूंगी फिर से मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगी मैंने इसको रिपोर्ट किया था तो मैं आपसे शेयर किया था मैंने उसकी मिट्टी कैसे बनाई थी और मैंने उसमें क्या क्या यूज़ किया था तो देखिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कटिंग से लगने वाला प्लांट है ये बहुत हाइब्रिड कलर में भी बहुत से आते हैं और ये जो है बहुत प्यारे प्यारे कलर में आते हैं कम केयर में चलने वाला अच्छा सा प्लांट है इसको बोनविल भी बहुत पसंद होती है आप इसमें बोनविल का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं फ्रेंड्स और जो है देखिए कितनी अच्छे से इसको प्रूरिंग करते रहेंगे बोनसाई के रूप में ये बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसको गहराई वाले ज़्यादा पॉट मत दीजिए इसको हमेशा जैसे कि कुंडा टाइप का होता है उस तरह के फ्लैट पॉट में आप इसको लगाइए बहुत ही अच्छी जबरदस्त फ्लावरिंग करेगा इसकी रूट्स देखा है आपने इसका कोडेक्स बनता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसकी जो खूबसूरती होती है वो कोडेक्स से ही आती है जो आप कटिंग से लगाते हैं प्लांट उसमें कोडेक्स नहीं बनता है फ्रेंड्स और जो आपका जो बीज से उगाए हुए प्लांट होते हैं उसमें ही कोडेक्स बनता है तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है आप अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं इनको मतलब टच करके देखते रहिए कोडेक्स अगर आपका पिलपिला या ढीला हो रहा है तो थोड़ा उसको निकाल के दो चार दिन के लिए बाहर रखिए फंजी लगाइए और उसमें वाटरिंग बहुत संभाल के करिए ऐसा नहीं है पानी की ज़रूरत सबको प्लांट को होती है गर्मी में भी होती है आ, मगर आपको थोड़ी सी लापरवाही देखिए मेरे कुछ प्लांट भी खराब हो रहे हैं इतनी गर्मी में मैं सिर्फ एक टाइम वाटरिंग करती हूँ उसके बावजूद भी मेरे कुछ प्लांट जो हैं वो थोड़े से खराब हो रहे हैं तो पानी का बहुत ख्याल रखना है आपको एडिनियम में भी आप वाटरिंग करिए फर्टिलाइज़र दीजिए मगर साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जरा सा भी लापरवाही आप पानी की करेंगे तो ये आपका पूरा प्लांट चार साल तीन साल का पुराना खराब हो जाएगा तो इसको जो है बहुत संभाल के आपको यूज़ करना है और इनकी जो केयर है मैं इस पर फिर से ब्लूमिंग पे वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी उम्मीद है कि आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और मैंने क्या क्या टिप्स बताई है ये भी आपने बिना स्किप किए देखा होगा प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच किया करें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो आपको ये एडिनियम ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए बहुत से कलर आते हैं थोड़ा महंगे मिलते हैं हाइब्रिड वाले ये भी सौ डेढ़ सौ से नीचे नहीं मिलेगा आपको तो अगर आपको उसका फ्लावर अच्छा लगता है तो आप कटिंग के थ्रू भी इसको ग्रो कर सकते हैं तो चलते हैं फ्रेंड्स फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखें बाय